नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आशीष स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आशीष की बगिया से। दोस्तों, फरवरी का महीना स्टार्ट होने वाला है और इस महीने कौन कौन सी कटिंग हम लगा सकते हैं, इस सब के बारे में मैं डिटेल से बताऊंगा आज आपको इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। साथ ही अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने गार्डनिंग के शौकीन मित्रों के बीच शेयर अवश्य कीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहले प्लांट के बारे में हम बात करने वाले हैं। पहला नाम है जेट प्लांट। जी हाँ, जेट प्लांट। जेट प्लांट को आप कटिंग के द्वारा बहुत ही आसानी से अपने घर पर ग्रो कर सकते हैं और इसका रखरखाव भी बहुत ही आसान है। इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जिससे कोई भी जानकारी आपसे मिस ना हो। अब बात करते हैं दोस्तों हमारे अगले प्लांट की। तो दूसरा प्लांट है दोस्तों हमारा गुलाब यानी रोज़। गुलाब की कटिंग को सर्दियों में फरवरी तक बहुत ही आसानी से कटिंग के द्वारा ग्रो कर सकते हैं। देसी गुलाब कटिंग के द्वारा और हाइब्रिड गुलाब बड ग्राफ्टिंग के द्वारा इस महीने बहुत ही आसानी से तैयार किए जा सकते हैं। तो देसी गुलाब को कटिंग के द्वारा ग्रो करने का जो सक्सेस रेट है वो करीबन 95% से ऊपर है, जबकि हाइब्रिड या इंग्लिश गुलाब को कटिंग के द्वारा ग्रो करने का जो परसेंटेज है वो केवल 18-20% है। तो इंग्लिश या हाइब्रिड गुलाब को आप बड ग्राफ्टिंग के द्वारा तैयार कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों हमारे अगले प्लांट की। जी हाँ, अगला प्लांट है हमारा एलमोंडा। जी, एलमोंडा एक तरह का परमानेंट प्लांट है और ये पूरे साल बढ़िया सी फ्लावरिंग करता है। तो आपकी स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है एलमोंडा, तो आप इसको भी कटिंग के द्वारा बहुत ही आसानी से फरवरी के महीने में तैयार कर सकते हैं। ये देखिए, इसके कई सारे कलर आते हैं, इन्हें आप आसानी से ग्रो कर सकते हैं। अब बात करते हैं हमारे अगले प्लांट की। दोस्तों, इस प्लांट का नाम है स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर प्लांट के बेबी प्लांट जो होते हैं, इसकी लीफ के टिप से निकलते हैं, जिनको आप सेपरेट करके नए प्लांट्स बना सकते हैं। और एक तरह का प्यूरीफायर, एयर प्यूरीफायर प्लांट है, जिसकी सहायता से आपके वातावरण की जो भी विषैली गैसें हैं उनको ये एब्जॉर्ब करता है और उसके बदले ऑक्सीजन को रिलीज करता है। दोस्तों, स्पाइडर प्लांट जो होता है वो काफ़ी लो गेयरिंग प्लांट है और आप इसे हैंगिंग बास्केट में बहुत ही बढ़िया तरीके से लगा सकते हैं और इसके एक प्लांट से अनेकों प्लांट तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए आपकी स्क्रीन पे, इसके बेबी प्लांट से तैयार ये नए प्लांट। तो इस सीजन में आप ऐसे बहुत सारे प्लांट अपने स्पाइडर प्लांट से तैयार कर सकते हैं। ये देखिए, बहुत ही बढ़िया एयर प्यूरीफायर प्लांट है और इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्लांट की। तो दोस्तों, हमारा अगला प्लांट है जरबेरा। ये बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग प्लांट है और इसमें आप कटिंग के द्वारा नहीं लगा सकते हैं, बल्कि इसके साइड से नए प्लांट्स निकलते हैं जिनको आप अलग करके नए प्लांट बना सकते हैं फरवरी के महीने में। अब दोस्तों, बात करते हैं हमारे अगले प्लांट की। इसका नाम है फाइकस। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा है ये फाइकस। फाइकस को भी कटिंग के द्वारा आप आसानी से ग्रो कर सकते हैं। तो फाइकस जो है दोस्तों, ये भी एक तरह से एयर प्यूरीफायर प्लांट है और आप इसकी वैरायटी देखिए, ये देखिए वेरीगेटेड है और आपकी स्क्रीन पे ग्रीन भी दिखाई पड़ रहा है। तो आप इन्हें आसानी से ग्रो कर सकते हैं। अब बात करते हैं हमारे अगले प्लांट की। दोस्तों, अगला प्लांट है हमारा स्नेक प्लांट। ये भी एक तरह का एयर प्यूरीफायर प्लांट है और इसे आप कटिंग के द्वारा या फिर रूट डिवीजन मेथड से फरवरी के महीने में बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। ये देखिए आपकी स्क्रीन पे, आप इसकी लीव्स को कट कीजिए और पानी में या फिर सॉइल में सीधे ग्रो कर लीजिए। बहुत सारी इसमें वैरायटी आती हैं। ये देखिए आपकी स्क्रीन पे काफ़ी सुंदर सुंदर वैरायटी आती हैं और ये बेस्ट इंडोर प्लांट्स में एक माना जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों अगले प्लांट की। ये है हमारा रबर प्लांट। जी हाँ दोस्तों, रबर प्लांट को भी हम फरवरी के महीने में कटिंग के द्वारा बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इसकी कटिंग थोड़ी मुश्किल लगती है, लेकिन अगर आप ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे तो ये भी आसानी से लग जाएगी। आपकी स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूँ, ये मैंने कटिंग से प्लांट तैयार किया है। अब दोस्तों, हम बात करते हैं अगले प्लांट की। ये है दोस्तों हिबिस्कस। बहुत ही कॉमन सा फ्लावर है और ये ढेरों वैरायटियों में अलग अलग कलर में पाया जाता है। इसमें कई सारी वैरायटियाँ होती हैं, कुछ देसी वैरायटियाँ होती हैं, कुछ हाइब्रिड वैरायटियाँ होती हैं, काफ़ी सारी इसमें अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन आदि वैरायटियाँ भी आ रही हैं। तो आप इन पौधों को भी कटिंग के द्वारा बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। तो गुड़हल पर दोस्तों मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं जिनके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा
और हाइब्रिड गुड़हल को भी आप कटिंग के द्वारा बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। साथ ही उनकी केयर के बारे में क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं, इन सब की जानकारी आपको मेरे चैनल में मिल जाएगी। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में केवल 10 पौधों के बारे में जानकारी दे रहा हूँ और मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में बाकी और 10 पौधों के बारे में आपको बताऊँगा जिनको आप कटिंग के द्वारा बहुत ही आसानी से फरवरी के महीने में अपने घर में ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप हमारा नया वीडियो आसानी से देख सकें। अब बात करते हैं दोस्तों हमारे दूसरे प्लांट के बारे में जिसको आप कटिंग के द्वारा आसानी से ग्रो कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये है आपकी स्क्रीन पे मनी प्लांट। जी हाँ, मनी प्लांट नाम इसका मनी प्लांट है। इसको लगाने से कहते हैं कि काफ़ी सारी आपके यहाँ सुख समृद्धि आती है, तो इसीलिए आप इसे अपने घर में ज़रूर लगाएं। तो मनी प्लांट की भी बहुत सारी वैरायटियाँ होती हैं दोस्तों, और आप इन्हें कटिंग के द्वारा बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। साथ ही आप मेरा अगला वीडियो ज़रूर देखिएगा, उसमें मैं आपको बाकी और पौधे बताऊँगा जिनकी कटिंग आप फरवरी के महीने में आसानी से ग्रो कर सकते हैं। तो बने रहिए दोस्तों आशीष की बगिया चैनल के साथ, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।